जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर कुरुक्षेत्र की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। लोगों का कहना है कि सरकार ने धारा 370 हटाकर अपना वादा पूरा किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया। जो फैसला लिया है बीजेपी ने, लोगों को बड़ी उम्मीद थी बीजेपी पे और अपना अमित शाह जी पे और नरेंद्र मोदी जी पे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जिस प्रकार से प्रस्ताव पास करके और एक ऐतिहासिक फैसला जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, और जिस प्रकार से 70 साल से हमारे एक कील की तरह हमारे देश को ये चुभ रहा था और किस प्रकार से वहाँ आतंकवादी जो समस्या वहाँ पर वह जड़ डाल चुकी थी, और जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में वहाँ से दिल्ली से इस प्रकार का एक ही देश में दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे इसके लिए वहाँ से एक पद यात्रा की थी, तो आज उनकी पद यात्रा का जो आज है इस प्रकार से परिणाम आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और आज इस प्रकार से पूरे देश में आज हर्ष उल्लास है। आज उन सबको शहादत को, शहीदों को नमन हुआ है इस फैसले से, क्योंकि इतना बड़ा फैसला सरकार ने वहाँ पर जो ट्रूप्स को वहाँ ले जा कर के और पहले से सारी तैयारी करने के बाद और सारा जो है तैयारी करने के बाद ये फैसला लिया है, और हर एक देश का हर एक नागरिक आज इस फैसले से बहुत खुश है, और इस फैसले को जल्दी से जल्दी वहाँ पास हो करके इसका कानून बन जाएगा, और आज हम सारे इस बात से भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। आई प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।